बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडस्ट्रीज मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने करंट अफेयर करोना वायरस पर एमसीक्यूज का सिलसिला शुरू किया हुआ था। 100+ एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह ताला। आज इस सिलसिले में पार्ट 2 अपलोड कर लेते हैं और ये 100% कन्फर्म है कि आने वाले एग्जाम के हर पेपर में इसमें से लाजिमी क्वेश्चन आया करेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले पार्ट जो हो चुका है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 10 तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिस वन, कोरोना वायरस कॉजेज इन चिल्ड्रन हैव बीन, बच्चों में ये वायरस फैलने का कहाँ तक इम्कान है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कि एज कॉमन एज एल्डरली केसेस, जिस तरह बड़ों में कोरोना वायरस फैलता है इसी तरह कहते हैं बच्चों में, तो ये बात गलत है। ऑप्शन बी नॉन एग्जिस्टिंग, कि बच्चों में बिल्कुल नहीं फैलता, ये भी गलत है। ऑप्शन सी रैपिडली राइजिंग, बच्चों में तेजी से फैला, ये भी गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, रेयर, बहुत मामूली से केसेस हैं बच्चों के बारे में, एस ऑफ नॉट अभी तक। बाद में हो सकता है कि कुछ मसला उलट हो जाए, लेकिन अभी तक जितने भी शवाहिद मिले हैं वो बच्चों में रेयर बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग योर हैंड्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी बेस्ट डिफेंस यू कैन टेक टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द वायरस। इट इज रिकमेंडेड दैट यू वॉश योर हैंड्स फॉर एटलीस्ट की मानी है कम से कम 20 सेकंड तक, कम से कम 20 सेकंड तक। अब ये 20 सेकंड कौन काउंट करेगा? बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप 2 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लें तो 20 सेकंड हो जाएंगे उस वक्त तक हाथ धोते रहे। नहीं, अगर अंग्रेज़ों वाला काम करना है तो 2 दफ़ा आपने क्या करना है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये रिपीट करें तो ये 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे। बुक्स में आपको ये मिलेगा कि हैप्पी बर्थडे टू यू 2 दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बाई मेंटेनिंग डिस्टेंस, फासला रखना, कितना फासला रखना फ्रॉम अदर्स विन पॉसिबल, पीपल में लिमिट द स्प्रेड ऑफ द वायरस। 6 फीट का जो है ना ये फासला मेंटेन रखना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि वायरस का स्प्रेड जो है ना ये लिमिट हो जाएगी, इसकी फैलाव कम हो जाएगी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर, अ वैक्सीन फॉर द कोरोना वायरस विल टेक एट लीस्ट टू बिकम अवेलेबल टू द पब्लिक, इस पर काम जारी है लेकिन ये कम से कम, ज़्यादा जो मर्जी होगा लेकिन 1 साल कम से कम इसके वैक्सीन पर तैयारी पर लगेगी, क्योंकि वैक्सीन तैयारी करने के बाद उसको टेस्ट भी करना है, उसके रिजल्ट्स को भी फिर जांचना है, तो इन तमाम मराहिल में कहते हैं कि कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 1 साल कम से कम है, 1 ईयर। 15 नंबर क्वेश्चन देखें। 15 नंबर क्वेश्चन, एट अ टाइम व्हेन ऑल आवर लाइव्स आर डिसरप्टेड, डिसरप्टेड मीन जिस पे खलल पड़ गया हो, एंड मैनी फेस इंक्रीज लॉन्लीनेस, तन्हाई एंड एंजाइटी, एक्सपर्ट रिकमेंडेड पीपल स्टे कनेक्टेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट।
अब माहिरीन का, अब चूंकि हम तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में खलल पड़ गया है, तो माहिरीन कहते हैं कि आप लोगों से कनेक्ट रख सकते हैं। नीचे जो दिए गए हैं इसमें मासिवाय एक की बाकी तीनों तरीकों से आप दूसरों से कनेक्ट रह सकते हैं। तो ऑप्शन है लिखा कि पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन गेम नाइट, ठीक है, बिल्कुल ऑनलाइन गेम के ज़रिए आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन बी पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन अर्निंग, यस। ऑप्शन सी कनेक्टिंग वाज सोशल मीडिया चैट इन वीडियो, यस। विजिटिंग, ऑप्शन डी विजिटिंग अदर्स एट होम फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नो, इसके जरिए नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखें दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन को जरा। हाउ लॉन्ग डज द नोवल कोरोना वायरस सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी। अब वायरस आपके बॉडी में नहीं आया तो ये आपके बॉडी या किसी के बॉडी से बाहर कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकता है? सर्वाइव की मानी है जिंदा रहना, कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है अ वीक इन द एयर एंड ऑन द सर्फेस, एक हफ्ते के लिए। ऑप्शन बी सेवरल हावर्स टू डेज, ये करेक्ट ऑप्शन है, कई घंटों से लेकर कई दिनों तक। ऑप्शन सी लिखे अप टू टू डेज एंड हाफ वीक, नन ऑफ दिस। इस पैराग्राफ को जरा पढ़ लें, देखें इसमें लिखा हुआ है कि एक सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक ये कापर पर जो है ना, सर्फेस ऑफ कापर के लिए ये 4 घंटे, 4 आवर्स, और 24 घंटे कहाँ पर हो सकते हैं, कार्डबोर्ड, 48 घंटे स्टेनलेस स्टील, 72 घंटे जो है ना ये प्लास्टिक सरफेस पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी है। और 17 नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, हु इज एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर COVID-19, कौन ज़्यादा खतरे में है? चिल्ड्रन, बच्चे नहीं, पीपल ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 साल से जितनी उम्र के ज़्यादा हैं वो। ऑप्शन सी प्रेग्नेंट वुमेन, हामिला खवातीन, नहीं। ऑप्शन डी दोज विद एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, यस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और डी दोनों करेक्ट है, जिनको पहले से कोई बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, आस्थमा है, यानी सांस लेने में दुश्वारी है उसको, तो इन बीमारियों के होते हुए उसके गुर्दे खराब है, तो ये लोग ज़्यादा रिस्क पर है। एक तो वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, और दूसरे वो लोग जो ऑलरेडी इन बीमारियों का शिकार है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट इज द नेम गिवन टू द डिजीज कॉज बाय कोरोना वायरस स्प्रेड इन वुहान सिटी, उसको नाम दिया गया COVID-19। अब COVID-19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखें। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COVID-19। कोविड, ये CO का मतलब है कोरोना, CO का मानी कोरोना, VI मानी है वायरस, और D की मानी है डिजीज, और 19 का मानी है 2019। तो ये वायरस चूँकि 2019 में आया था, तो 2019 का कोरोना वायरस से बीमारी। और आगे आखिर क्वेश्चन देखिए, आज क्वेश्चन नंबर 20 को, व्हाट इज द नेम गिवन बाय साइंटिस्ट टू कोरोना वायरस बिफोर वुहान सिटी, इससे पहले इस वायरस का क्या नाम था, इससे पहले इस वायरस का नाम था SARS-CoV-2। तो SARS, एस के माने सीवियर, ए के माने अक्यूट, आर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो ये तो दोस्तों आज के वीडियो पसंद आने की जरूरत में, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।